हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार आज फिर आपके सामने सामान्य विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट लेकर के आया हूं, जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट है क्या, प्रकाश है क्या। तो देखिए, हम बहुत सारी किताबों में पढ़ते हैं या बहुत जगह पढ़ते हैं कि प्रकाश क्या है, तो हमें एक चीज मिलती है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। अगर प्रकाश एक ऊर्जा है तो कौन सी ऊर्जा है, तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है, रेडिएशन एनर्जी है। अगर प्रकाश रेडिएशन एनर्जी है, विकिरण ऊर्जा है, तो इसका महत्व हमारे लिए क्या है, प्रकाश हमारे लिए क्या महत्व रखता है। दोस्तों, तो ध्यान रहे, प्रकाश पूरे धरती पर जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर मैं बात करूं पृथ्वी पर ऊर्जा कैसे मिलती है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा मिलती है प्रकाश से, और प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और हम उन पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको ग्रहण करके उनको अपना आहार बना करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरी पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है, क्योंकि प्रकाश है। प्रकाश आ रहा है, प्रकाश है, तभी तो आप मुझे देख पा रहे हो। अगर प्रकाश नहीं होता, अगर सारी लाइटें बंद होती, तो क्या आप मुझे देख पाते? बिल्कुल नहीं देख पाते। तो दोस्तों, प्रकाश है इसीलिए जीवन है। ठीक, अब देखिए, प्रकाश को शुरू करने से पहले, लाइट को स्टार्ट करने से पहले, दोस्तों यूपीपीसीएस प्री कम मेंस का बैच संस्था में प्रारंभ है। मिस्टर आलोक सर और मिस्टर रवि सर के कुशल निर्देशन में एक बैच रनिंग बैच है जो कि फुल हो चुका है। दूसरी बैच फिर से शुरू होने वाली है। और दोस्तों, अगर आपको एक योग्य और अच्छे संस्थान में योग्य शिक्षकों द्वारा बिल्कुल टारगेटेड शिक्षा लेनी है, तो दोस्तों क्या करना, आपको आपको दिए गए इस नंबर पर एंट्री यूपीपीसीएस लिख करके व्हाट्सएप करना है 9918000454। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे दोस्तों, विद इन सम टाइम आपको हमारे काउंसलिंग टीम आपसे कनेक्ट होगी, और कनेक्ट होने के बाद इस बैच के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी आसानी से दे दी जाएगी। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द क्लास, देखते हैं सबसे पहले क्या पॉइंट बनता है। तो दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश, तो सबसे पहले पॉइंट यह बनता है, प्रकाश क्या है। पहला पॉइंट क्या बनता है, प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले हम इसको सुलझाते हैं कि प्रकाश है क्या। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रकाश है क्या। तो दोस्तों, हमारा पहला ही उत्तर क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और कैसी ऊर्जा है, तो हम कहते हैं प्रकाश विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश कौन सी ऊर्जा है, प्रकाश विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो सीधी रेखाओं में गमन करता है, और प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है, वस्तुओं से परावर्तित होगा, सीधे हमारी रेटिना पर एक पोटेंशियल डालेगा, सीधे हमारी रेटिना पर आएगा, और रेटिना पर आने के बाद यही रेटिना एक इमेज बनाती है उस वस्तु का, जिस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी आंखों में आया है, उस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है हमारी रेटिना पर। दोस्तों, उसके बाद हमारे मध्य मस्तिष्क में स्मरण और देखने की शक्ति का, एक देखने की शक्ति का नियंत्रण करने वाला भाग होता है कारपोरा, और दोस्तों कारपोरा उस उल्टे प्रतिबिंब को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। फ्रेंड्स, यहां लिख दिया मैंने प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रकाश क्या है और प्रकाश का क्या महत्व है। देखिए, जैसे हम कहते हैं प्रकाश क्या है, तो तुरंत हमें पॉइंट मिलता है कि प्रकाश विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है, और कौन सी ऊर्जा, प्रकाश विकिरण ऊर्जा है, रेडिएशन एनर्जी है। और रेडिएशन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारा पहला पॉइंट, प्रकाश विकिरण ऊर्जा है, यानी प्रकाश ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि की संवेदना को प्रारंभ करती है, जागृत करती है। तो प्रकाश कौन सी ऊर्जा, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो वस्तु पर पड़ेगी, वस्तु से परावर्तित होगी, हमारी आंखों की रेटिना पर एक पोटेंशियल डालेगी, और जब रेटिना पर प्रकाश पड़ता है
तो वस्तु का उल्टा और वास्तविक यानी रियल और ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमारे मध्य मस्तिष्क का कारपोरा भाग सीधा करके एडजस्ट करके सीधा करके देखता है। और ध्यान देना, जब किसी वस्तु को हम देखते हैं, वस्तु को देखने के बाद जैसे हम निगाह हटाते हैं तो उस वस्तु का जो इमेज हमारे मस्तिष्क पर 1/16 सेकंड तक स्टोर हो जाता है। जैसे हमने किसी वस्तु को देखा और अपनी निगाहें हटा लिया तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर 1/16 सेकंड तक स्टोर रहता है। यूपीपीसीएस की परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है, यूपीपीसीएस की मेंस की परीक्षा में भी आया हुआ है और प्रीलिम्स में भी आया हुआ है कि किसी वस्तु को देखने के बाद जब निगाहें हटाते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कब तक हमारी आंखों पर बन जाता है, तो 1/16 सेकंड तक बनता है। ठीक, तो हम कहते हैं प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो वस्तुओं से परावर्तित होगी और परावर्तित होने के बाद हमारे दृष्टि की संवेदनाओं को प्रारंभ कर देती है, अर्थात देखने में सहायक है। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले प्रकाश वस्तु पर आएगा, वस्तु से परावर्तित होगा, आंखों पर आएगा, रेटिना पर, फिर इमेज बनाता है, प्रतिबिंब का निर्माण करता है। फिर देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम प्रकाश को देख पाते हैं। भाई प्रकाश के कारण हम देखते हैं, ये तो क्लियर है कि भाई अगर प्रकाश नहीं होता, अभी इस कमरे में पूरा अंधेरा होता तो शायद आप हमको नहीं देख पाते। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो स्वयं क्या है, स्वयं तो अदृश्य है। प्रकाश स्वयं क्या है, प्रकाश स्वयं अदृश्य है, क्योंकि प्रकाश को हम देख नहीं पाते लेकिन प्रकाश का हम अनुभव करते हैं। तो प्रकाश स्वयं अदृश्य है परंतु देखने में सहायक, यानी प्रकाश स्वयं अदृश्य है परंतु देखने में क्या है, देखने में सहायक है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, एक विकिरण ऊर्जा है जो स्वयं तो अदृश्य है लेकिन हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। दोस्तों ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रकाश से। अभी हमने समझा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कहां पड़ता है। एक पॉइंट देखिए बड़ा कंफ्यूज करता है और वो पॉइंट ये है कि ऑप्टिक थ्योरी यानी कि प्रकाश की सिद्धांत। देखो यह एक शब्द आया है प्रकाशिकीय, तो आपको ध्यान देना होगा कि प्रकाश संबंधित जो शाखा है विज्ञान की उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं, प्रकाशिकीय कहते हैं। प्रकाश से संबंधित अध्ययन प्रकाशिकीय में किया जाता है, ऑप्टिक्स में किया जाता है। तो तुरंत यहीं पर एक प्रश्न आता है, तुरंत एक प्रश्न यहां पर उठता है कि प्रकाशिकी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ठीक, प्रकाशिकी सिद्धांत ऑप्टिक्स की थ्योरी, ऑप्टिक्स थ्योरी यानी प्रकाशिकी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। बहुत ही क्रिटिकल और बहुत कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन, क्योंकि भाई किसी एक वैज्ञानिक ने प्रकाश के सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया था, बहुत से विज्ञान ने ऑप्टिकल थ्योरी देने का प्रयास किया जिसमें रेज ऑप्टिकल और वेव ऑप्टिकल दो चीजें होती, यानी कि एक होता है किरण और एक होता है तरंग। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि ऑप्टिकल थ्योरी प्रकाश की सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। जब जब वैज्ञानिकों ने प्रकाश के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, प्रकाश ने एक ऐसा मोड़ लिया, एक ऐसा रूप परिवर्तन किया कि सारे कंफ्यूज। यानी कि वर्तमान समय में भी ऑप्टिकल थ्योरी हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तरंग का सिद्धांत दोस्तों और एक कणिका का सिद्धांत। ठीक, तो कहने का मतलब यह किसी एक वैज्ञानिक ने ऑप्टिकल थ्योरी प्रस्तुत नहीं की थी, बल्कि ऑप्टिकल थ्योरी कई वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की। जब जब ऑप्टिकल थ्योरी प्रकाश के सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, तब तब प्रकाश ने अपना रूप परिवर्तन कर लिया, जिससे पूरा भौतिक जगत इससे परेशान हो गया, भाई ये कौन सा शैतान लड़का है जो इतना परेशान कर रहा है। तो ध्यान देना है, शैतान लड़का ही है। सबसे पहले दोस्तों ऑप्टिक थ्योरी दिया था न्यूटन बाबा ने, सबसे पहले न्यूटन साहब ने क्या किया था, ऑप्टिक्स थ्योरी देने का प्रयास किया था। और न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश होता है कण के रूप में चलता है, कॉर्पसल्स, जिसको हम कणिका कहते हैं। तो न्यूटन साहब ने क्या किया, न्यूटन साहब ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया, कणिका सिद्धांत, और बताया कि जो प्रकाश है छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जैसे छोटे छोटे कॉर्पसल्स होते हैं
उन रूप में चलता है, कणिका के रूप में चलता है। चलो भाई, जब न्यूटन साहब ने बता दिया कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, तो इनसे कहा गया आप सिद्ध करो, इनसे कहा गया सिद्ध करो। भाई पहली बात है कि न्यूटन साहब पूरा आधा भौतिकी इनका ही है, तो इनसे किसी ने हिम्मत नहीं की, फिर भी अगर आपने सिद्धांत दिया है तो आप प्रस्तुत कीजिए। तो इन्होंने प्रस्तुत किया प्रकाश के परावर्तन को और प्रकाश के अपवर्तन को। ठीक है, इन्होंने क्या कहा दोस्तों कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। इन्होंने कहा कि यहां जो समतल, जो एक समतल माध्यम होता है, परावर्तक तल होता है, यहां आने वाली किरणों के बीच क्या लगता है, यहां आने वाले किरणों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। न्यूटन ने क्या किया, प्रस्तुत किया कि ये जो आपतित किरणें होती हैं और यहां जो समतल माध्यम है, परावर्तक तल है, इन दोनों के बीच क्या लगता है, एक प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसको हम कहते हैं रिपल्शन फोर्स। तभी तो किरणें क्या होती हैं, यहां से परावर्तित हो जाती हैं। मान लिया गया, सही है भाई, आपने सही सिद्ध किया। उसके बाद फिर इनसे पूछा गया कि अपवर्तन कैसे होगा। तब जब अपवर्तन की बात आई, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि उस समय जो माध्यम होगा, माध्यम के बीच क्या लगता है, आकर्षण होता है। भाई एक जगह क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, फिर इनसे पूछा गया अपवर्तन कैसे होता है, तो बताया भाई माध्यम में क्या होता है, माध्यम में आकर्षण होता है। तुरंत यही पूछा गया भाई, एक ही स्थान पर आकर्षण और एक ही स्थान पर प्रतिकर्षण, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल हो गया कि एक ही जगह पर आपका प्रतिकर्षण भी हो गया और एक ही जगह पर आकर्षण भी हो गया, रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों एक ही स्थान पर कैसे हो गया। तो भाई इनका सिस्टम कुछ दिन चला, उसके बाद क्या हुआ, फ्लॉप हो गया। अब दोस्तों इसके बाद आए एक और वैज्ञानिक, हाइगेंस साहब। इसके बाद आते हैं हाइगेंस साहब और देखते हैं इन्होंने क्या कहा। जब हाइगेंस साहब आते हैं तो हाइगेंस ने क्या बताया, हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। और ध्यान देना, जब कणिका सिद्धांत आया था, न्यूटन ने कहा था प्रकाश कण के रूप में चलता है, लाइक अ बुलेट इन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है बिल्कुल बुलेट की तरह सीधी रेखा में, ये न्यूटन साहब ने कहा था। अब देखिए हाइगेंस साहब आए तो हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, और इनसे पूछा गया कौन सी तरंग है, इन्होंने कहा प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग है। तो भाई प्रकाश, हाइगेंस ने कहा प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, वेव, वेव का मतलब तरंग, वेव लाइक अ डिस्टरबेंस ओनली, यानी दोस्तों जहां भी वेव होती है वहां हलचल होती है, तो हम कहते हैं ये तरंग है। तरंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग और एक होती यांत्रिक तरंग। अगर यांत्रिक तरंग की बात करें तो यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, पहली होती है अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो भाई यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं, ऐसी तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, यानी इनके संचरण के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो भाई अब इनसे कहा गया, जब सूर्य से इन्होंने कहा, इनसे बताया गया, पूछा गया इनसे, चलिए मान लेते हैं कि प्रकाश जो है यांत्रिक तरंग है, तो भाई जब सूर्य से प्रकाश आता है तो बीच में पहले क्या होता है, पहले निर्वात होता है, उसके बाद वायुमंडल शुरू होता है पृथ्वी का। मान लीजिए क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल है, तो भाई ये पृथ्वी का वायुमंडल है, आपने सही कहा कि प्रकाश एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, और हम जानते हैं कि यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मान लिया कि पृथ्वी के वायुमंडल में माध्यम है, लेकिन सूर्य जहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जहां से ये प्रकाश आ रहा है वहां तो कोई माध्यम नहीं है, यहां तो निर्वात है, यहां क्या है, निर्वात है। अब बताओ भाई, अब कैसे माने तुम्हारी बात, कैसे माने कि प्रकाश यांत्रिक तरंग है। भाई जो यांत्रिक तरंग है ये माध्यम में ट्रेवल करती है, माध्यम हमारे वायुमंडल में है, लेकिन जहां से प्रकाश आता है सूर्य के पास से, वहां पे कैसे होगा, वहां तो केवल निर्वात है। ये फंस गए खुद के सिद्धांत, दोस्तों क्या हुआ, ये फंस गए। अब देखिए जब ये फंस गए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जहां निर्वात है एक्चुअली वहां एक काल्पनिक माध्यम है, और उस काल्पनिक माध्यम में
को इन्होंने क्या कहा, ईथर कहा। कहा वहां एक काल्पनिक माध्यम है और वह ईथर है। अब देखिए एक नया माध्यम बता दिया भाई। उस समय उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था, उन्होंने कहा कि एक नया माध्यम है ईथर, उस माध्यम से होता हुआ प्रकाश पृथ्वी पर आता है। ना तो कभी आज तक ईथर की खोज हुई है और ना कभी जो है इनकी थ्योरी कोई समझ पाया है। ठीक, तो दोस्तों यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है ना, कि ईथर जब खोजा जाएगा तब यह थ्योरी क्या होगी, प्रमाणित मानी जाएगी। लेकिन फिर भी दोस्तों प्रकाश जो होता है वो माध्यम में भी चलता है, तो इनकी थ्योरी भी सही है, ये भी क्या है, सही है। ठीक, अब देखिए इसके बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम था मैक्सवेल। अब देखिए मैक्सवेल साहब ने क्या किया, मैक्सवेल ने बिल्कुल कॉपी किया हाइगेंस को। मैक्सवेल ने बिल्कुल हाइगेंस को कॉपी किया और क्या बताया भाई, मैक्सवेल जब आते हैं ना तो मैक्सवेल ने माध्यम का काम ही खत्म कर दिया, यानी माध्यम की बात ही खत्म कर दी। कैसे, इन्होंने कह दिया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। कह दिया कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। लो भाई सही कह दिया भाई, माध्यम की बातें खत्म। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं इनका संचरण बिना किसी माध्यम के होता है। ये ऐसी तरंगें हैं जिनका संचरण बिना किसी माध्यम के होता है, ये माध्यम की मोहताज नहीं होती। जैसे एक्सरेज, गामा रेज या फिर इंफ्रारेड रेज, ठीक है ना, या फिर लाइट रेज, ये सब क्या होती है, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जो संचरण के लिए किसी माध्यम की मोहताज नहीं होती। तो भाई मैक्सवेल ने क्या किया, इनको ही कॉपी किया, बस हल्का सा चेंज कर दिया, बता दिया कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात से पृथ्वी पर आता है। चलिए भाई इनकी बात मान ली गई, सही कहा इन्होंने। अब दोस्तों प्रश्न ये पूछता है कि अगर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तो कॉम्पटन इफेक्ट, रमन प्रभाव, ठीक, या प्रकाश का प्रकीर्णन, जो रमन प्रभाव होता है, रमन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट, ध्यान देना कॉम्पटन होता है, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक, इसे लोग क्रॉम्पटन भी कहते हैं लेकिन ध्यान देना ये कॉम्पटन होता है, क्रॉम्पटन नहीं होता है, कॉम्पटन इफेक्ट। तो भाई अगर ये सही थे तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या कॉम्पटन इफेक्ट, या रमन प्रभाव, ये कैसे होगा फिर? वो तो कण के रूप में जब प्रकाश चलता है तब जाकर के सिद्ध होता है, इसका मतलब यह भी क्या हुए, यहीं पर रुक गए, ठीक है, बता नहीं पाए। अब आप देख सकते हैं कि प्रकाश कैसे कैसे अपनी प्रकृति को बदल रहा है। तो दोस्तों इसके बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं जिसका नाम था मैक्स प्लैंक। दोस्तों मैक्स प्लैंक ने क्या बताया, जो प्रकाश है वो कणों की छोटी छोटी इकाइयों के रूप में चलता है। क्या बताया, जो प्रकाश होता है वो कणों की छोटी छोटी इकाइयों के रूप में चलता है, जिसे क्वांटम कहा गया। क्या बोला गया, क्वांटम, जिसे क्वांटम या क्वांटा कहा गया। क्लियर, तो दोस्तों इन्होंने बताया कि प्रकाश कणों की छोटी छोटी इकाइयों के रूप में चलता है या पैकेटों के रूप में चलता है। और देखिए इसका जो समर्थन था आइंस्टीन ने इसका समर्थन किया और इन्होंने भी बताया कि जो प्रकाश है वो कणों के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहा गया। जिसे क्या बोला गया दोस्तों, जिसे फोटॉन कहा गया। तो ये मैक्सवेल और आइंस्टीन की थ्योरी काफी मिलती जुलती दोस्तों है, और ध्यान देना इन्हीं दोनों थ्योरियों के द्वारा क्वांटम इफेक्ट या रमन इफेक्ट या फिर इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया, और आइंस्टीन साहब को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। तो इन वैज्ञानिकों ने ऑप्टिक्स थ्योरी दी, तो न्यूटन ने कहा प्रकाश कणिका के रूप में चलता है, कण के रूप में चलता है, कॉर्पसल्स के रूप में स्ट्रेट लाइन में चलता है, और हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है, अगर यांत्रिक तरंग की बात करेंगे तो लाइक अ ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग है। क्लियर, फिर मैक्सवेल ने क्या बताया कि
कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एंड दोस्तों मैक्स प्लैंक ने बताया और आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश कणों के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। और फोटॉन के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटॉन के द्वारा ही रमन इफेक्ट, फोटॉन के द्वारा ही कॉम्पटन इफेक्ट, इन जैसे नियमों की व्याख्या हो पाई थी। तो ध्यान देना, वर्तमान में हम क्या पढ़ते हैं, वर्तमान में पढ़ते हैं कि प्रकाश का दो नेचर है। प्रकाश की कितनी प्रकृति है, दो प्रकृति है, एक कणकीय प्रकृति है और एक क्या है, तरंग प्रकृति है, एक वेव है। क्लियर? चलिए तो दोस्तों आपने समझ लिया कि प्रकाश के सिद्धांत किसने किसने दिया था। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ पॉइंट और देखते हैं। ठीक, अब आगे क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन यह बन रहा है प्रकाश में हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। तो भाई प्रकाश में हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, अगर हम माने कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत प्रकार की होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो पहले क्या होती है, गामा होती है, पहले होती है गामा रेज, गामा किरण, फिर होती है एक्स किरण, और दोस्तों फिर होती है गामा रेज एक्स रे, उसके बाद होती है यूवी किरण यानी अल्ट्रावायलेट किरण, फिर होती है दोस्तों दृश्य प्रकाश, हम इसी प्रकाश की बात करेंगे क्योंकि यही प्रकाश हम लोग पढ़ रहे हैं, दृश्य प्रकाश। फिर है आवरक्त तरंग या आवरक्त किरण, फिर है लघु रेडियो तरंग। एंड दोस्तों फिर क्या है, दीर्घ रेडियो तरंग। देखिए अब अगर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये कुल मिलाकर के इतनी विद्युत तरंगें होती हैं। और हम इसकी बात कर रहे हैं, यहां जो श्वेत प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश, जिसकी खोज न्यूटन ने की थी, हम इसी प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, ये दृश्य प्रकाश है। ठीक है दोस्तों, तो दृश्य प्रकाश के पहले कौन सा है, अल्ट्रावायलेट है, और दृश्य प्रकाश के बाद क्या है, अवरक्त है, इंफ्रारेड है। ठीक है ना, इंफ्रारेड का प्रयोग ही रिमोट कंट्रोल में होता है, इस बात का ध्यान देना आप लोग, इसी का प्रयोग करते हैं रिमोट कंट्रोल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी गामा का प्रयोग कहां होता है, इसका प्रयोग होता है मणि विज्ञान में या न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, या इसी का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों जाली दस्तावेज की जांच परख में, जैसे पासपोर्ट की जांच में होता है, स्टेशन रेलवे स्टेशन पर लगा होता है जांच करने के लिए। बाकी एक्सरे होती है, इसका प्रयोग कहां होता है, चिकित्सा विज्ञान में होता है। बाकी अल्ट्रावायलेट है, इसका प्रयोग कहां होता है, सिकाई करने में होता है, और तहत रिमोट कंट्रोल में। बाकी दीर्घ रेडियो और लघु रेडियो, इनका प्रयोग होता है टीवी रेडियो और टेलीफोन में होता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं दृश्य प्रकाश की, इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? देखिए अगर बात की जाए दृश्य प्रकाश की, जिसे हम कहते हैं श्वेत प्रकाश, इसे ही हम कहते हैं श्वेत प्रकाश, यही है श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिनको हम कहते हैं विबग्योर। इनमें कितने रंग होते हैं, इनमें होते हैं 7 रंग जिनको हम कहते हैं विबग्योर। और इन 7 रंगों की सहायता से क्या होता है, हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। इन 7 रंगों की सहायता से ही वस्तुओं को हम देख पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि 7 रंग कौन कौन से हैं, विबग्योर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला क्या होता है, पहला होता है बैंगनी रंग, पहला हो गया बैगनी। उसके बाद जामुनी रंग होता है, इसमें दूसरा जामुनी कलर। फिर थर्ड क्या होता है, ब्लू।
यानी कि नीला, और इसके बाद ग्रीन यानी कि हरा, उसके बाद येलो यानी कि पीला रंग होता है, ऑरेंज नारंगी रंग होता है, और आखिरी क्या होता है, रेड होता है। तो इतने रंग होते हैं इस प्रकाश में। हमारा प्रश्न यह है कि हम प्रकाश में वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। तो दोस्तों होती है परावर्तन की घटना। आखिर हम परावर्तन की घटना के द्वारा कैसे वस्तुओं को देख पाते हैं, हम इसी के बारे में चर्चा आपसे कर रहे हैं। देखिए कोई भी वस्तु है वह जिस रंग की दिखाई देती है, इसका मतलब यह है कि वह वस्तु उस रंग को हमारी आंखों में परावर्तित करती है। इसको हम समझेंगे एक उदाहरण से। जैसे मान लीजिए कि यह कोई कुर्सी है और हम देख रहे हैं कि वस्तुओं को हम कैसे देख पाते हैं। मान लीजिए दोस्तों क्या है, कोई कुर्सी है, यह कोई चेयर है, ठीक, यह कोई चेयर है। अब यहां से वस्तु को हम देखेंगे, तो हम वस्तु को किस प्रकार से देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं, हमारा प्रश्न यही है। देखिए हम वस्तु को किस प्रकार से देख पाते हैं। जैसे अब यहां से प्रकाश आया सूर्य का, सूर्य का प्रकाश हो या बल्ब का प्रकाश, दो भी प्रकाश हो दोस्तों, तो यहां से क्या आया, प्रकाश आया। यहां से जब प्रकाश आया तो प्रकाश आता है सात रंगों में, जिसमें हमने बताया आपको कि विबग्योर होता है। क्लियर, यहां पे सात रंग होते हैं। तो प्रकाश कहां पड़ा, प्रकाश सबसे पड़ता, पहले पड़ता है इस कुर्सी पर। जब प्रकाश इस कुर्सी पर पड़ा तो जिस रंग की ये कुर्सी है उस रंग का प्रकाश ये कुर्सी अवशोषित नहीं करेगी। जैसे इसमें क्या होता है, विबग्योर होता है, ठीक है ना। तो विबग्योर में सात रंग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कैसे हम देख पाते हैं वस्तुओं को। जब प्रकाश इस वस्तु पर पड़ता है, इस कुर्सी पर पड़ेगा, तो तुरंत इस कुर्सी से परावर्तित होकर कहां पर आएगा, ये आएगा हमारी आंखों में। तो जब प्रकाश हमारी आंखों में आएगा तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रकाश सीधे हमारी आंखों में आ जाएगा, नहीं, तब तो हमें काला हो जाएगा पूरा, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। तो प्रकाश सबसे पहले वस्तु पर आएगा, वस्तु से परावर्तित होकर के फिर हमारी आंखों में आएगा, तब हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। अब हमें जानना यह है कि वस्तुओं का रंग हमें कैसे मालूम पड़ता है। तो दोस्तों बहुत ही सरल बात है इसको समझना। जैसे अब मैं बात करूंगा एक पत्ती की। जैसे हम जानते हैं जो पत्ती होती है, पत्तियां कैसी होती हैं, पत्तियां हरी होती हैं। तो पत्तियां हरी क्यों होती हैं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप सब लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि पत्तियां हरी क्यों होंगी, पत्तियों में हरा रंग क्यों होता है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में एक उत्तर, इसका उत्तर दीजिए कि पत्तियां हरी कैसे होती है। बहुत लोग कहेंगे कि हाँ सर इसमें क्लोरोफिल होता है, और क्या, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए पत्ती हरी होती है। क्या वास्तव में ये सही बात है भी, हम तो बायोलॉजी पढ़ते थे तो कहते थे यार पत्ती हरी क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। बट यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, यहां हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का पार्ट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा पत्ती हरी क्यों है। देखिए होता क्या, एक्चुअली में होता यह है कि प्रकाश जब इस पत्ती पर पड़ता है और वह प्रकाश हमारी आंखों में आता है पत्ती के द्वारा परावर्तित होकर के, तब हमें यह पत्ती दिखाई पड़ती है। तो कैसे आखिर हरा रंग क्यों दिखाई पड़ता है, प्रश्न हमारा यही है कि पत्ती का रंग हरा क्यों दिखाई देता है। देखिए तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, सात रंग, अभी आपने देखा यहां पर विबग्योर, विबग्योर। तो दोस्तों यहां पर सात रंग होते हैं विबग्योर। होता यह है, देखिए इसमें क्या होता है, एक्चुअली में इसमें होता यह है कि पत्ती क्या करती है, पत्ती विबग्योर में उपस्थित हरे रंग को छोड़ करके अन्य रंगों को अवशोषित कर लेती है। यानी कि इन रंगों को पत्ती क्या करेगी, पत्ती इन रंगों को अवशोषित कर लेगी, सोख लेगी। तो भाई जब पत्ती इन रंगों को सोख लेगी तो कौन सा रंग बचा, हरा रंग बचा है। अब पत्ती क्या करती है, इस हरे रंग को हमारी आंखों में परावर्तित कर देती है। तो जब हमारी आंखों में हरा रंग आएगा तो आप बताइए ये पत्ती किस रंग की दिखाई पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है ये पत्ती हमको हरे रंग की दिखाई पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इस पत्ती ने क्या किया, इस पत्ती ने
सभी रंगों को अवशोषित कर लिया, लेकिन हरे रंग को हमारी आंखों में परावर्तित कर दिया और इसीलिए पत्ती हमको हरे रंग की दिखाई देती है। ये बात ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में कि कौन सा रंग हमारी आंखों के लिए सुटेबल होता है। तो छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस और बिहार पीसीएस तथा यूपी पीसीएस क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा रंग हमारी आंखों के लिए सबसे सुग्राह्य होता है, सुटेबल होता है, आरामदायक होता है। तो आपका आपका आंसर क्या आएगा? हरा रंग। ये हरा रंग हमारी आंखों के लिए आरामदायक होता है और लाल रंग हमारी आंखों के लिए सबसे कष्टदायी होता है, सुग्राह्य नहीं होता, उसको आंखें एडजस्ट नहीं कर पाती, लेकिन ग्रीन कलर को आंखें हमारी बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करती हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये पत्ती हरी क्यों होती है। अच्छा आप ये सोचिए कि अगर इस पत्ती ने सभी रंगों को अवशोषित कर लिया होता, यानी पत्ती ने क्या किया होता, पत्ती इन सभी रंगों को अवशोषित कर लेती तो पत्ती का रंग कैसा होता? तो भाई यहां से तो परावर्तन होता ही नहीं। अगर पत्ती सभी रंगों को अवशोषित कर लेती तो परावर्तन तो होता ही नहीं ना। जब हमारी आंखों में कोई रंग नहीं आएगा तो पत्ती कैसे दिखाई पड़ेगी? काली दिखाई पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो कोई वस्तु काली क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, परावर्तित नहीं करती किसी भी कलर को, इसलिए कोई वस्तु काली दिखाई देती है। आइए चर्चा करते हैं उदाहरणों पर कि आखिर गर्मियों में सफेद कपड़े, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना क्यों आरामदायक होता है? दोस्तों होता यह है, जैसे कपड़े कैसे होते हैं सफेद, कपड़े हम क्या बात कर रहे हैं कि कपड़े कैसे हैं, कपड़ा कैसा है, तो कपड़ा है सफेद और प्रकाश में कौन सा रंग होता है? श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश है ना। और कपड़ा भी कैसा है? व्हाइट कपड़ा है। प्रकाश भी कैसा है? श्वेत है, ठीक है ना, दृश्य प्रकाश है। तो होता यह है जो सफेद कपड़ा होता है भाई, वो इस श्वेत प्रकाश को अवशोषित नहीं करता, नहीं कहता तुम्हारी तुमको कोई जरूरत नहीं है, हम खुद श्वेत हैं, हम तो पहले से सफेद है ना। तो श्वेत क्या करेंगे लेकर के भाई? अब जो व्यक्ति पहले से खाना खाया हो उसको आप ठूस ठूस खिलाओ तो खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो कहने का मतलब यह है कि कपड़ा पहले सफेद है, इसने कहा प्रकाश से कि तुम्हारी श्वेत ऊर्जा की आवश्यकता मुझे नहीं है। इस सफेद कपड़े ने क्या किया? सभी रंगों को परावर्तित कर दिया। चलो, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर दिया, जिससे श्वेत प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा इस कपड़े में नहीं आ पाई। तो गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदायक होता है, क्योंकि सफेद कपड़े श्वेत प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जिससे गर्मी कम लगती है, उष्मा कम लगती है। अब अगर हम काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा? अगर हम काले कपड़े पहनेंगे तो जाहिर सी बात है काले कपड़े क्या करेंगे, इन सभी रंगों को अवशोषित कर लेंगे और हमको अधिक से अधिक गर्मी होगी, पसीना होगा, यानी वो हमारे लिए कष्टदायक होता है। रंगीन कपड़े पहनना कष्टदायक होता है, क्योंकि रंगीन कपड़ा क्या करेगा, कोई ना कोई रंग अवशोषित कर ले, मतलब सबको अवशोषित कर लेगा और जिस रंग का होगा वो परावर्तित कर देगा। तो दोस्तों देखिए अब क्या होता है, यहां से जो मैं आपसे पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है ना, कि कोई वस्तु काली क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश का यानी दृश्य प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती, परावर्तित नहीं करती है। कोई वस्तु सफेद क्यों दिखती है, क्योंकि वह श्वेत प्रकाश के सूर्य के प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। क्लियर तो दोस्तों, क्योंकि वह श्वेत प्रकाश को परावर्तित करेगी हमारी आंखों में तो सफेद दिखाई पड़ेगी। क्लियर तो दोस्तों इसीलिए वस्तुओं को हम देख पाते हैं इन श्वेत रंगों के कारण, ये रंग का परावर्तन होता है और हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा कौन बन सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं एल्यूमिनास्टिक की, तो ल्यूमिनास्टिक क्या होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर ल्यूमिनास्टिक की बात की जाए तो जैसे पूछता है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यहां मैं ल्यूमिनास्टिक की बात कर रहा हूं, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, जिसको आप कहते हैं प्रदीप्त। और यहीं पर होता है एक पॉइंट और, जिसे कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, या इसको आप बोलते हो अप्रदीप्त। तो ल्यूमिनास्टिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अगर हम बात करें, इसको हम आदित्य बोल सकते हैं, बात वही है, अप्रदीप्त। देखिए प्रदीप्त और अप्रदीप्त का कॉन्सेप्ट यह है
कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके पास स्वयं की प्रकाश की ऊर्जा होती है, जिसके पास स्वयं के प्रकाश की ऊर्जा होगी वो प्रदीप्त होगा, और जिसके पास स्वयं के प्रकाश की ऊर्जा नहीं होगी वो अप्रदीप्त होगा। मुझे अभी भी याद है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है 2013 के पीसीएस के एग्जाम में कि चंद्रमा क्या है, प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है। हालांकि कॉमन बात है, हम सभी लोग जानते हैं कि जिन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश है वो क्या होती है, प्रदीप्त, और जिन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है वो क्या होती है, अप्रदीप्त। ठीक है, तो जिनके पास स्वयं का प्रकाश वो प्रदीप्त, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है वो अप्रदीप्त है। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो तारे हैं, तारे या फिर बल्ब या फिर लैंप, है ना, लैंप क्लियर, या फिर सूर्य, हालांकि सूर्य भी तारा ही है, मैंने यहां मेंशन कर दिया है। तो तारे, बल्ब, लैंप, सूर्य, इनके पास स्वयं का प्रकाश, ये अपने प्रकाश से चमकते हैं, इनको हम कहते हैं प्रदीप्त। और वहीं अगर देखें हम लोग अप्रदीप्त क्या है, तो जिनके पास स्वयं के प्रकाश की ऊर्जा नहीं होती है वो अप्रदीप्त कहलाते हैं। अगर हम अप्रदीप्त की बात करें तो देखिए, जैसे अगर बात करते हैं अप्रदीप्त की, तो दोस्तों आपका चंद्रमा मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, है ना, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और दोस्तों इसके बाद चंद्रमा है, कुर्सी मेज है, जो भी वस्तुएं होती हैं सभी क्या है, इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है वो अप्रदीप्त होती है। छोटी मोटी बात है, आप इसको जान सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे हम बात करेंगे जो हमारा अगला प्रश्न बन करके आएगा, वो प्रश्न कैसा रहेगा, वो प्रश्न ये है माध्यम की सघनता, माध्यम की सघनता के साथ प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। माध्यम की सघनता के साथ प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपका प्रश्न दोस्तों, इसका आप लोग उत्तर दीजिए फटाफट। आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैं आपका आपकी जो है आंसर का वेट कर रहा हूं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर इसके उत्तर की बात की जाए तो यहां हम डिस्कस करेंगे आप सभी से प्रकाश का वेग। दोस्तों प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग तो भाई स्पीड ऑफ लाइट हम पढ़ने वाले हैं, स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे पहले प्रश्न यह बनता है कि प्रकाश का वेग ज्ञात किसने किया, किसने ज्ञात किया कि प्रकाश का वेग कितना होता है। दोस्तों तो ध्यान देना, एक साइंटिस्ट थे रोमर साहब, रोमर ने क्या किया, प्रकाश का वेग ज्ञात किया, रोमर ने ही प्रकाश का वेग ज्ञात किया था और प्रकाश के संचरण के बारे में बताया। जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। भाई प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण के लिए किसी माध्यम की मोहताज नहीं होती है, यह पॉइंट आप जान चुके हैं। तो प्रकाश, भाई प्रकाश का वेग रोमर ने ज्ञात किया और रोमर ने बताया कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, यानी प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। यह किसने बताया दोस्तों, यह बताया रोमर साहब ने। तो रोमर ने बताया कि जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में कितनी होगी, इन्होंने कहा निर्वात में प्रकाश की चाल, तो बताया कि 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल निर्वात में, सबसे अधिक निर्वात में, उसके बाद फिर वायु में, उसके बाद फिर द्रव में, उसके बाद फिर दोस्तों आपके ठोस माध्यम में होती है। तो देखिए निर्वात में कितनी होती है, 10⁰ × 8 मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि यह कभी भी आपसे अगर पूछ दे मील में कितनी होती है तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको 186,310 मील पर सेकंड, यह मील पर सेकंड में होती है दोस्तों, ध्यान देना मील प्रति होती है।
अब देखिए यहीं से आपसे एक पॉइंट और बन सकता है कि आखिर ये किलोमीटर में कितनी होती है, तो लगभग 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, बहुत ही अधिक होती है। प्रकाश की चाल देख लीजिए, यहां आपने देखा मील में और यहां देखा किलोमीटर में, और ये रही मीटर प्रति सेकंड में, इतनी चाल हो गई प्रकाश की। भाई देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना आप लोग। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जल में, कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो बस थोड़ी सी कम होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फिर कहां होती है, कांच में होती है, कांच में होती है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न यह है कि माध्यम की सघनता के साथ प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो भाई पहले हो गया निर्वात, फिर होगा वायु, फिर जल, फिर क्या है ठोस है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि माध्यम सघन हो रहा है तो प्रकाश का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी प्रकाश का वेग घट रहा है। तो जैसे जैसे माध्यम में सघनता आ रही है, माध्यम जो है सघन हो रहा है, डेंसर हो रहा है, तो जैसे जैसे माध्यम डेंसर हो रहा है प्रकाश की चाल उतनी कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे जो माध्यम यानी मीडियम रेयरर है वैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। दोस्तों एक क्वेश्चन ध्यान देना आप लोग, वो प्रश्न पूछ सकता है कि आखिर अगर प्रकाश में चाल, जो प्रकाश की चाल है निर्वात में 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो ये वायु से कितनी अधिक है, या जल से कितनी अधिक है, या कांच से कितने परसेंट अधिक है। देखिए अगर हम बात करें प्रकाश की चाल की, तो ध्यान देना निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जल में कितनी होती है, या इसको हम लिख सकते हैं कि निर्वात की अपेक्षा जल में, निर्वात की अपेक्षा, निर्वात की अपेक्षा पहले वायु में, वायु में कितनी कम, 0.03। दोस्तों ये जो है 0.03% क्या होती, कम होती है, क्लियर। अब पूछता है कि निर्वात की अपेक्षा जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कितनी कम होती है, तो ध्यान देना 25% कम होती है। फिर क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि निर्वात की अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल कितनी कम होती है, तो भाई ध्यान देना ये 35% कम होती है, यानी 35% कम होगी, इस बात को ध्यान देना। क्वेश्चन ये भी सब अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो भाई अगर हम प्रकाश की चाल की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यहां हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश जो है कितने घंटे में, कितने देर में पहुंचता है सूर्य से पृथ्वी पर, ठीक है। प्रकाश की चाल की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट तो डिस्कस करना ही पड़ेगा आप सभी से। तो ये समझ लीजिए अर्थ हो गई, ये हमारी अर्थ है, गोल नहीं बनी कोई बात नहीं, और ये हो गया सन, ये हो गया सूर्य। भाई सूर्य आपको लग रहा है छोटा है ना, सूर्य बहुत दूर है, ठीक है, छोटा लग रहा है इसलिए। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, इस प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, छोटी मोटी, छोटी बड़ी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है सेकेंड में, तो आप बताओगे 499 सेकंड। परंतु अगर यही क्वेश्चन आपसे दे दे कि आप बताओ भैया मिनट में, तो इसको तुरंत आप चेंज कर लेंगे तो कितना आएगा, 8 मिनट 19 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड। हम जानते हैं कि प्रकाश सबसे तेज चलने वाला माध्यम है, सबसे तेज चाल प्रकाश की होती है, लेकिन एक और चीज अभी तक अवधारणा में शामिल हुई है, बस केवल अवधारणा ही है कि प्रकाश से तेज चलता है,
मैं आप सभी से यह प्रश्न करूंगा कि प्रकाश से तेज चाल किसकी होती है, आप लोग अगर जानकारी रखते हो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आने में 499 सेकंड का समय लगाता है, इस बात का ध्यान देना। अगर हम बात करें मिनट की तो 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगाता है। यहीं पर एक पॉइंट और बनता है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, मून यानी चंद्रमा। तो सूर्य जो प्रकाश होगा पहले कहां आएगा, चंद्रमा पर आएगा दोस्तों, यहां से फिर परावर्तित होगा तो कहां आएगा, पृथ्वी पर आएगा। तो भाई चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, यह भी पॉइंट अगर आपसे पूछता है, अगर यह पॉइंट पूछता है आपसे सेकंड में तो आप बताएंगे 88 सेकंड, यानी 88 सेकंड में यह प्रकाश चंद्रमा से धरती पर आ जाता है। अगर पूछता है मिनट में तो आप बताओगे एक मिनट 28 सेकंड में दोस्तों प्रकाश क्या होता है, यह प्रकाश धरती पर जो है चंद्रमा से धरती पर आता है। अब देखिए एक विशेष पॉइंट आपसे प्रश्न के माध्यम से ही मैं डिस्कस करूंगा और यह प्रश्न ऐसे बनेगा। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति कितनी होती है, तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति कितनी होती है प्रकाश की। चलिए तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति कितनी होती है यह पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना। अगर हम बात करें प्रकाश की तो हम अध्ययन करते हैं श्वेत प्रकाश का, जिसको हम कहते हैं दृश्य प्रकाश। ये दृश्य प्रकाश ही हम तक पहुंच पाता है, इसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट जो होती है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। यहां पूछ रहा है आवृत्ति, अगर हम यहां पूछ रहा है जो है तरंग दैर्ध्य, तो भाई तरंग दैर्ध्य किसमें होती है, तरंग दैर्ध्य होती है तरंगों में। तो कहने मतलब यह है कि मान लीजिए कोई ये तरंग है तो तरंग क्या करती है, दोलन करती है, तरंग दोलन करती है, इस तरह से तरंगे क्या करती है, दोलन करती है। तो कहने का मतलब ये आप जानते होंगे कि इसमें एक श्रृंग है और नीचे क्या है, गर्त है। तो श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो भाई अगर प्रकाश तरंग है तो ये क्या कर रहा है, ये दोलन करेगा, कंपन करेगा, इसमें क्या होगा, तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होगी। तो तरंग दैर्ध्य कितनी होती है प्रकाश की, यही प्रश्न है आप सभी से कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। तो ध्यान देना दोस्तों इसमें 7 रंग शामिल है। देखिए जैसे हम जाएंगे बिब ग्योर की ओर जाएंगे तो देखिए होता यह है कि इधर होता है, इधर वॉयलेट इंडिगो, उसके बाद जो है ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, जितना हम आगे बढ़ेंगे ठीक है, बिब ग्योर की ओर जितना आगे बढ़ेंगे उतना देखिए दोलन क्या होगा, उतना दोलन कम होगा, उतनी जो है उतना वेवलेंथ कम होती है, ठीक है ना, उतनी क्या होगी वेवलेंथ कम होगी। जितना हम लोग आएंगे प्रारंभ की ओर उतना क्या होगा, उतना इसकी जो है वेवलेंथ जो है दोस्तों क्या होती है, वेवलेंथ आगे की ओर बढ़ती है। तो हम जो है दृश्य प्रकाश को देख पाते हैं, अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो इसमें क्या होता है, तरंग होती है। जो पूछ रहा तरंग दैर्ध्य, अगर तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों होगा क्या कि प्रकाश में, प्रकाश तरंग होती है, तरंग में क्या होता है, तरंग में वेवलेंथ होती है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि तरंग जो प्रकाश होती है, सूर्य का प्रकाश, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। तो हम जानते हैं जो तरंगे होती हैं वो इस प्रकार से दोलन करती हैं। यहां देखिए उठा हुआ भाग श्रृंग होता है, दबा हुआ भाग गर्त होता है। तो दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी क्या होती है, ये जो है तरंग दैर्ध्य होती है, लेमडा होती है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए जितना हम वी आई बी ग्योर दोस्तों जितना आगे की ओर आएंगे, आगे की ओर तरंग दैर्ध्य कम होती है, आगे की ओर तरंग दैर्ध्य कम होती है और प्रकाश की ऊर्जा बढ़ती है। और जितना हम इधर जाएंगे, ठीक है दोस्तों, जितना हम इधर जाएंगे उतना ही वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी और ऊर्जा घटेगी। यानी वेवलेंथ जो होगी वो प्रकाश की ऊर्जा की व्युत्क्रमानुपाती होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो प्रकाश की ऊर्जा घटेगी,
अगर तरंग दैर्ध्य घटेगी तो प्रकाश की ऊर्जा बढ़ेगी। इसका मतलब जो यहां पर वॉयलेट है इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होगी, जो रेड है सबसे कम ऊर्जा होगी। ठीक, अब देखें अगर आवृत्ति की बात करें तो दोस्तों प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो समान होती है, कोई भी माध्यम हो कभी भी प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, इस बात को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ की, तो कुल जो वेवलेंथ होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से ये होती दोस्तों 7300 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम 7800 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, ध्यान रहे, ठीक है ना। देखिए 7300 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। अब ये एंगस्ट्रॉम में हो गया और हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर के, और यही अगर पूछ दे आपसे नैनोमीटर में कितनी होगी, तो ये तो मान लीजिए वेवलेंथ हो गई, अगर ये पूछ दे नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर में क्या होता है 10^-9 होता है, ये होता है, तो क्या करना है इसको आपको 10 घटा देना है, तो 390 नैनोमीटर से लेकर के लगभग 750 नैनोमीटर तक, ये प्रकाश की जो है वेवलेंथ होती है। ये हो गई नैनोमीटर में, और दोस्तों ये हो गई किस में, ये हो गई एंगस्ट्रॉम में। अब हम अलग अलग वेवलेंथ की बात करेंगे कि अलग अलग रंगों में वेवलेंथ कैसे कैसे होती है, ठीक है ना। देखिए तो 7 रंग होते हैं, पहले क्या हो गया, पहले हो गया वॉयलेट, पहले क्या हो गया वॉयलेट, फिर इंडिगो, इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, फिर येलो, और फिर ऑरेंज, और फिर क्या होता है अंत में रेड होता है, क्लियर। तो देखिए अब अगर बात करें हम लोग अब वॉयलेट की, ये दोस्तों बात करेंगे पहले रेड की, तो 7000 300 से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो अगर बात करेंगे वेवलेंथ की तो 6000 एंगस्ट्रॉम से ये होती है 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक 7800 एंगस्ट्रॉम। अगर बात करें ऑरेंज की तो दोस्तों ये जो है लगभग जो है कितनी हो जाएगी, ये 5700 से अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो यहां देखिए हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4300 एंगस्ट्रॉम, और ये होगा 4300 एंगस्ट्रॉम से 4600 एंगस्ट्रॉम, और ये 4600 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, एंड ये 5000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम, और ये 5700 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम, और ये 6000 एंगस्ट्रॉम से 6300 एंगस्ट्रॉम, और ये 6300 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो ये होती है वेवलेंथ प्रकाश की विभिन्न रंगों की, और ध्यान देना जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ऊर्जा अधिक होगी, तो हम कहेंगे सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है, ये होती है वॉयलेट में, और जितनी वेवलेंथ अधिक होगी उतने ऊर्जा क्या होगी, उतनी ऊर्जा कम होगी, तो सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी, सबसे कम ऊर्जा हो जाएगी लाल रंग के प्रकाश में दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जितनी ऊर्जा यानी जितना वेवलेंथ बढ़ेगी उतनी ऊर्जा कम होगी, और जितनी वेवलेंथ घटेगी उतनी ही ऊर्जा कम हो, उतनी क्या होगा ऊर्जा बढ़ेगी। तो वेवलेंथ घटने पर ऊर्जा बढ़ रही है, वेवलेंथ कम होने पर क्या है ऊर्जा, वेवलेंथ कम होने पर ऊर्जा बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ने पर ऊर्जा घटेगी, ठीक। यानी ऊर्जा और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, क्योंकि वेवलेंथ घटने पर ऊर्जा बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ने पर ऊर्जा घटेगी, इस बात का ध्यान देना। और यहां एक दोस्तों क्वेश्चन और है,
वो क्या है? आवृत्ति। तो आवृत्ति कितनी होती है? ध्यान देना, 4300 से 750 ट्रिलियन हर्ट्ज। क्या होती है? 750 ट्रिलियन हर्ट्ज ये आवृत्ति होती है प्रकाश की। ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आज आपको प्रकाश में कुछ मिला होगा। और इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के विवर्तन, ध्रुवण या बहुत सारी चीजें हैं। क्वेश्चन बनता है कि किस नियम के द्वारा सिद्ध हुआ कि प्रकाश एक तरंग है? तो हम कहते हैं प्रकाश के ध्रुवण के द्वारा, या प्रकाश के परावर्तन का दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है? तो प्रकाश के परावर्तन से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश के परावर्तन से ही हम जो है तारों को देख पाते हैं। और दोस्तों पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में क्या उदाहरण है? तो प्रकाश के अपवर्तन से ही तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और जब देखिए, जब कोई पेन हम डालते हैं किसी पानी में, तो पेन क्या, ये क्या होता है? टेढ़ा दिखाई देता है। अगर किसी हम छड़ को डालते हैं पानी में, तो छड़ क्या होती है? ये छड़ हमको टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तो प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। इस बात का ध्यान देना कि कोई जल में तैरती हुई मछली अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है, तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। हीरे का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, या छिटके हुए कांच का चमकना तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जब हम रोड पर चलते हैं गर्मियों के मौसम में, जहां पेड़ों की छाया होती है, उस पेड़ों की छाया के पास रोड पर पानी दिखाई देता है। जब हम पास पहुंचते हैं तो वहां पानी नहीं होता। एक्चुअली में एक भ्रम है, इसको मृग मरीचिका कहते हैं। तो रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आकाश का लाल दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसको दोस्तों, इसके बाद पूछता है कि जो है खतरे के निशान में हम लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और यह बहुत ही कम फैलता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, दूर से अस्पष्ट दिखाई पड़ जाता है, इसलिए खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। आकाश नीला क्यों है? प्रकाश के अधिक प्रकीर्णन के कारण, यानी इन रंगों का प्रकीर्णन यानी कि फैलाव बिखरना सबसे अधिक होता है, इसलिए प्रकाश कैसा है? नीले रंग का दिखाई देता है। और उसे सॉरी इसलिए आकाश कैसा होता है? नीला होता है। और उसी आकाश के परावर्तन से जल भी नीला दिखाई देता है। तो इसके साथ साथ दर्पण आएगा। दर्पण और लेंस क्या है? दर्पण और लेंस के साथ साथ दोस्तों दृष्टि दोष कौन कौन से होते हैं, या विभिन्न प्रकार के माइक्रोस्कोप हैं, दूरदर्शी है, तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रकाश से आते हैं, या फिर प्राथमिक रंग, इंद्रधनुष, तो बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। इसके बाद जब हम मिलेंगे एक दूसरे से तो हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और दर्पण की संपूर्ण व्याख्या, मिरर की संपूर्ण व्याख्या क्या होती है, दर्पण क्या है, सारे पॉइंट्स। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट्स जरूर करें, शेयर जरूर करें। और अगर आपको ऐसे ही क्लास चाहिए पीसीएस के लिए दोस्तों, तो क्या करना है, आपको दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करना आपको 9918000454 पर। जैसे इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको क्लास संबंधित सारी जानकारियां बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगी दोस्तों, और आप जो है पीसीएस के लिए एंट्री ले सकते हैं, खुला आमंत्रण है। तो दोस्तों इसी के साथ कक्षा को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।